और बात करेंगे हम झारखंड का, जहां सीएम हेमंत सोरेन आज काटाचोली फ्लाईओवर का करेंगे उद्घाटन। कुल 3,264 करोड़ की लागत से अलग अलग परियोजनाओं का होगा उद्घाटन। सेंट पॉल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में काटाचोली फ्लाईओवर का करेंगे उद्घाटन। करीब 224.94 करोड़ की लागत से काटाचोली फ्लाईओवर का होगा निर्माण। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। शुभम, देखिए लंबे इंतजार के बाद अब रांची वासियों को जो है खुशी की सौगात मिलने वाली है और सीएम हेमंत सोरेन आज काटाचोली फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे, क्या कुछ जानकारी से? बिल्कुल, अगर बात करें विकास की है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उसकी शुरुआत कर दी है। अगर बात करें तो कल जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट नगर का उद्घाटन किया गया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा भूमि पूजन किया गया और आज कह सकते हैं झारखंड की जनता को कई सौगात मिलने वाली है, क्योंकि चार और जन योजना है उसकी भी शुभारंभ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। काटाचोली फ्लाईओवर का जो उद्घाटन है कह सकते हैं कई मायनों में खास है, क्योंकि झारखंड की जनता को, राजधानी रांची की अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजधानी रांची की जनता को अब जाम से मुक्ति मिलेगी और कहीं ना कहीं जिनको की ओर से जो फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था उससे बेहद खुश नजर आ रहे हैं, तो कई मायनों में खास है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण अगर बात करें तो आज का दिन बेहद खास है और कहीं ना कहीं इस बात को देखकर लगता है झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में जो कार्य है वो विकास की ओर बढ़ता जा रहा है और हेमंत सोरेन लगातार राज्य की जनता को सौगात दे रहे हैं। 224.94 करोड़ की लागत से जो फ्लाईओवर का निर्माण हो चुका है और आज इसका उद्घाटन झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे और उसके बाद जो गाड़ियां हैं उस फ्लाईओवर पर चलती हुई दिखेगी, तो कहीं ना कहीं झारखंड के लिए और राजधानी रांची के लिए आज का दिन बहुत खास होने जा रहा है। बिल्कुल, अगर हम काटाचोली की बात करें सुबह तो देखा जाता था हमेशा काटाचोली में जो जाम की स्थिति थी वो सबसे ज्यादा काटाचोली रोड में ही होती थी और कई दुर्घटनाएं भी ऐसे में घटती हुई नजर आती थी। अगर बरसात की बात की जाए तो बरसात में भी जल जमाव सबसे ज्यादा और लोगों को बहुत परेशानी होती थी। अगर काटाचोली की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत खुशी की बात और लोगों को खुशियां जो है मिलने वाली है, क्योंकि जाम से जो है अब लोगों को निजात मिलने वाला है वहां से। दुर्गा, देखिए क्योंकि राजधानी रांची में फ्लाईओवर का निर्माण बेहद जरूरी था और इसी वजह से, क्योंकि एक तरफ हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं और झारखंड में कह सकते हैं एक भी ऐसा फ्लाईओवर जो पुराने ओवरब्रिज थे उसके बाद ऐसा कोई भी फ्लाईओवर का निर्माण नहीं हो रहा था और झारखंड अलग हुए 24 साल हो गए थे, लेकिन उसके बाद जब झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो एक निर्णय लिया गया। निर्णय के बाद कहीं ना कहीं आज उसका साक्षी बनने जा रहा है सभी लोग और साक्षी इसलिए क्योंकि आज खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 11:30 बजे फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा अवंतिका, जो जाम की समस्या थी काटाचोली में जाम इसलिए होता था क्योंकि काटाचोली में राजधानी रांची का सबसे बड़ा बस स्टैंड खादगढ़ा बस स्टैंड, वहां से दूसरे राज्यों के जाने के लिए जो गाड़ियां थी वहां से मिलती थी और आज भी वहां से मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से एक मुख्य कारण था जाम होने का। और अगर बात करें तो काटाचोली कहीं ना कहीं एक मुख्य चौराहे के रूप में भी राजधानी रांची में जाना जाता है, कई जगहों से यातायात की जो व्यवस्था है वहीं से शुरू होती है, वहीं तक कहीं और से भी आती है, तो कहीं ना कहीं कई मायनों में खास इसलिए है क्योंकि इसका उद्घाटन बेहद जरूरी था राजधानी रांची के लिए। और आप पूरी तरीके से कहा जा सकता है अवंतिका, राजधानी रांची वासियों के लिए जाम से मुक्त होने का एक सुनहरा अवसर आज झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रदान कर रहे हैं। और इसके साथ ही आप कुल 3,264 करोड़ की और की जो अन्य योजना है जितने भी फ्लाईओवर और बन रहे हैं, चाहे वो मैकॉन से लेकर ओवर रेलवे स्टेशन से ओवरब्रिज की बात कर ले, उसके बाद जो रातू रोड का जो फ्लाईओवर है उसकी बात कर ले, तो कई योजना ऐसे हैं उसका आने वाले समय में उद्घाटन हेमंत सोरेन के द्वारा किया जाएगा। और एक आधार रखी जा रही है, एक नींव रखी जा रही है, क्योंकि विकास की ओर अग्रसर है झारखंड की सरकार, झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और इसी वजह से लगातार विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है और फ्लाईओवर बनने के बाद कहीं ना कहीं झारखंड की छवि है और बेहतर देखने को मिलेगी दूसरे राज्यों की अगर तुलना करें, क्योंकि बिहार में फ्लाईओवर का जितना सबसे पूरा जाल बिछा हुआ है लेकिन झारखंड में उसकी अब शुरुआत हो रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में और कितने फ्लाईओवर बनकर तैयार होते हैं और कितना सौगात राजधानी रांची को मिलने वाला है, या झारखंड के अन्य जिलों में भी फ्लाईओवर का निर्माण इसी गति से देखा जाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन कह सकते हैं उनका चुनाव से ठीक पहले राजधानी रांची वासियों को, झारखंड वासियों को एक तोहफा हेमंत सोरेन ने दिया है। जी
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुभम इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए रांचीवासी को जो है बड़ी खुशी की सौगात मिलने वाली है और आज सीएम हेमंत सोरेन काटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण भी करने वाले उद्घाटन करने वाले माफ कीजिएगा और इसके साथ ही चार परियोजनाओं का भी अलग अलग जो है आज वो उद्घाटन करेंगे और इससे रांचीवासियों को कहीं ना कहीं बड़ी सौगात मिलने वाली है क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम काटाटोली की बात करेंगे तो काटाटोली में सबसे ज्यादा जाम की स्थिति बनी हुई रहती थी और कहीं ना कहीं अब रांचीवासियों को जाम से जो है वो निजात मिलने वाला है।